कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। वैसे काफी कुछ चल रहा है शाओमी और रियलमी के बीच में, कोई किसी को कॉपी बोल रहा है, कोई किसी को क्या बोल रहा है, सारी चीजें। लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रियलमी 8S के बारे में, जो कि जल्दी लॉन्च होने वाला है। वैसे माधव सेठ ने एक आस्क माधव के एपिसोड में कहा था कि रियलमी 8S बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, उसके पहले इसके रेंडर्स एंड स्पेसिफिकेशन सारी चीजें आ गई थी। अब ऑफिशियली समझ लो कि लीक कर दिया गया है, ऑफिशियली कहूं मतलब रियलमी ने लीक कर दिया है कि ये स्मार्टफोन आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है अगस्त में ही। कैसे? वैसे उनका एक रियलमी का फैन फेस्टिवल सेल चालू होने वाला है 24 तारीख से 28 तारीख तक, उसी पे Xiaomi ने टीज करना चालू कर दिया कि ये कॉपी कर रहे हैं। मी फैन फेस्टिवल के बाद रियलमी फैन फेस्टिवल आने लगा है, चलिए। लेकिन अगर उस सेल के टीजर या पोस्टर को अगर आप देखोगे ना, तो साइड में देखो एक फोन है जिसको ढूंढा है मुकुल शर्मा ने, एंड उन्होंने बताया कि ये रियलमी 8S है। ऑब्वियसली इसके रेंडर्स पहले आ चुके हैं तो आप देख ही सकते हो, दोनों सेम स्मार्टफोन है, जिससे ये पता चल रहा है कि 24 तारीख से 28 तारीख तक होने वाली सेल के बीच में या फिर उससे पहले ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। कहा तो यही आ रहा है, लेट्स सी, देख लेते हैं क्या स्पेसिफिकेशन आने वाले हैं। ऑलरेडी पता चल चुका है पहले से, वो इस वीडियो में बताऊंगा। बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले और डिजाइन की। तो इस स्मार्टफोन में कहा जा रहा है आपको 6.5 इंच का 90Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले आने वाला है फुल HD प्लस का। IPS होगा, AMOLED होगा, कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर बता रहा है कि इसमें आपको IPS का पैनल मिल जाएगा, क्योंकि जब भी Realme AMOLED या Super AMOLED देता है ना, उसमें वो आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ज्यादा चांसेस है कि दे ही देती है। चलिए अच्छी चीज है, यानी IPS का पैनल मिलने वाला 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। आई विश कि इसमें AMOLED आ जाए, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो लीक्स है वो यही बता रहे हैं। इसके बाद रियर साइड पे ट्रिपल कैमरा का सेटअप होगा, एंड जैसे मैंने कहा नीचे रियलमी की ब्रांडिंग एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। सिल्वर कलर है, देखने में अच्छा भी लग रहा है। चिपसेट की बात करोगे, अभी अभी लॉन्च हुआ है Dimensity 810। जैसे ही लॉन्च हुआ था वैसे ही माधव सेठ ने ट्वीट करके बता दिया था कि भाई इस चिपसेट पे आने वाला पहला स्मार्टफोन Realme की तरफ से होगा, यानी कंफर्म कर दिया कि अगस्त में आने वाला है। अच्छी चीज है, Realme 8S में Dimensity 810 का चिपसेट आएगा, जो कि Dimensity 800U का सक्सेसर है। स्कोर की बात करोगे तो 3.5 लाख के आसपास स्कोर आ जाएगा। ऑक्टाकोर का चिपसेट है, 7nm पे भेजे तो बैटरी एफिशिएंसी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। माली G57 का GPU गेमिंग ग्राफिक्स अच्छी तरह संभाल लेगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। और ये Android 11 के ऊपर आएगा, जिसमें Realme UI 2.0 का सपोर्ट रहेगा। थोड़े से ब्लोटवेयर्स रहेंगे, डिलीट कर पाओगे, कोई इशू नहीं आने वाला है। परफॉर्मेंस का सेगमेंट आपको अच्छा मिलने वाला है। कैमरा की बात करते हैं, ट्रिपल कैमरा रहेगा, 64MP का प्राइमरी सेंसर, F1.8 का अपर्चर रहेगा, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, बुके पैनोरमा HDR सब कर लोगे, 8MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 2MP का मैक्रो लेंस मिलने वाला है। यानी रियर साइड के कैमरास आपको फ्लैश के साथ मिलेंगे और सारे मतलब फीचर्स आपको मिल जाएंगे। फ्रंट में जाओगे तो 16MP का सेंसर है, वहां से आप 1080 रिजोल्यूशन में वीडियो निकाल सकते हो, बुके पैनोरमा HDR सब कर लोगे, कोई इशू नहीं आएगा। कैमरा के बाद अब चलते हैं बैटरी पे। तो यहाँ पे जो लीक आया उसके हिसाब से 5000mAh की बड़ी बैटरी आने वाली है, 33W का चार्जर होगा, टाइप सी का पोर्ट होगा, एंड मतलब एक बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जर, दोनों चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी, वहां पे भी कोई इशू नहीं आएगा। सेंसर्स की बात कर ले, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आप इमेज में देख सकते हो, इसके साथ साथ फेस अनलॉक, एक्सेलेरोमीटर, एमिट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कॉम्पास, 3.5mm जैक, मतलब जितने भी बेसिक सेंसर्स हैं सारे मिल जाएंगे। सेंसर्स में भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। स्लॉट की बात कर ले तो पॉसिबली रियलमी डेडिकेटेड देता है, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिलेगा, यानी दो सिम कार्ड के साथ SD कार्ड लगा पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वेरिएंट अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, पॉसिबली 6GB रैम वाला वेरिएंट से स्टार्ट हो, स्टोरेज कौन सा आएगा कोई भी कंफर्मेशन नहीं, लेकिन प्राइसिंग इसकी आपको 15,000 से 20,000 के बीच में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि Dimensity 810 है, नया चिपसेट है, तो पॉसिबली प्राइसिंग इसकी जैसे Realme Narzo 30 Pro देख लो 5G वाला 15,000 से 16,000 के आसपास आता है Dimensity 800U के साथ, तो इसकी प्राइसिंग भी उसी के आसपास ही होगी, थोड़ी ज्यादा समझ लो, तो 15,000 से 20,000 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा। दोस्तों लेट्स सी, वेट कर लेते हैं, वैसे भी 24 से 28 तारीख तक सेल है, तो पॉसिबली अगर सेल में इसका फोटो दिया हुआ है तो उसके पहले शायद लॉन्च हो जाए, वेट कर लेते हैं। अभी तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं लॉन्च डेट का, बट स्टिल कर लेते हैं, देखते हैं कब तक आता है, जैसे आएगा वैसे और भी बता देंगे। कैसा लगा वीडियो, वेट कर रहे हैं इसका, जरूर बता देना कैसा लगा इन्फॉर्मेशन, ये भी बता देना। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोज भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट करना खास नहीं करना, साइड में देखो वैक्ट इमेज है उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आ जाना यार, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना है आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।